अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों ने किस तरह सिद्रा एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाने, उसकी माइनिंग करनी और उसके साथ साथ केवाईसी के लिए आप लोगों ने किस तरह अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ इसके वीडियो के डिस्क अगर किसी का प्रोफाइल कम्प्लीट है, उसने सेल्फी वीडियो भी कम्प्लीट किया डाला है अपने अकाउंट में, और उसके साथ साथ अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या आईडी कार्ड के फ्रंट बैक सब कुछ कम्प्लीट किया हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने केवाईसी के लिए अप्लाई करनी है, तो किस किस तरह करना है, बिल्कुल फ्री में करनी है, किसी को पेमेंट नहीं करनी है, वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम ये बात करें किस तरह आप लोगों ने अकाउंट बनाने और उसके साथ साथ आप लोगों ने किस तरह केवाईसी पोर्ट वो जो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन के लिए जो पूरा डिटेल वो किस तरह आप लोगों ने पुट कर देने केवाईसी के लिए, तो इस वीडियो में वो कंप्लीट सारे डिटेल मैं आप लोगों के साथ मेंशन करूंगा। अच्छा, पहले आप लोगों को ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में सिद्रा चैन का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके आप लोग के सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसी इंटरफेस इस तरह इंटरफेस जब आप लोग के सामने आ जाए, अच्छा, तो इसी प्रोफाइल के नीचे जो आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे शो होगा कि एक्सेप्ट इनविटेशन, यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल पुट कर देने, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट के थ्रू समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग आ जाए तो इधर आप लोगों के सामने ईमेल एड्रेस होगा, इस उसी लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे जिस तरह इंटरफेस आ जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने ईमेल पुट कर देने और एक्सेप्ट इनविटेशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। जब एक्सेप्ट इनविटेशन के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद अकाउंट रजिस्ट्रेशन ईमेल सेंड, ये आप लोगों को सेंड हो जाएगा अपने ईमेल पे, जो जिस ईमेल पे आप लोग अकाउंट बना रहे हो। अच्छा, तो ओके के ऊपर है, जब आप लोग नीचे क्लिक करें उसके बाद आप लोगों को इस तरह इंटरफेस आएगा लॉग इन टू सिद्रा चैन, यहाँ पर आप लोगों ने लॉग इन के वाई सी पोर्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। उसके बाद ये जो आपने ईमेल अपना ओपन कर देना है जी मेल, उसके ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ईमेल आया होगा केवाईसी पोर्ट का, ईमेल कंफर्मेशन का, उसके ऊपर जो आप लोग क्लिक कर दें तो यहाँ पे आप लोगों ने जो कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपने न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड इस तरह जिस तरह मैंने पुट किया हुआ है ये आप लोगों ने पुट कर देना है और सेट पासवर्ड के ऊपर नीचे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर अपना यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जो भी कंट्री आप लोगों ने वो लिख देना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर, सब कुछ, और कंटिन्यू या एक्सेप्ट के ऊपर नीचे क्लिक कर देना, या यहाँ पे ऊपर जो नज़र आ रहे एक्टिव सेशन, एक्टिव सेशन के ऊपर जो आप लोग क्लिक कर दें यहाँ पे जिस तरह मैंने दिखाई दी, यहाँ पे दिखाई दे रहा आप लोगों को, और उसके साथ साथ ऊपर अगर प्रोफाइल पिक्चर हो तो वो भी आप लोग लगा दें। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देना है, यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल का ऑप्शन शो होगा, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये सारा प्रोफाइल आप लोगों ने केवाईसी के लिए कंप्लीट कर देना है, उसके बाद आप लोग की केवाईसी होगी, ये भी मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। अच्छा, मैंने इस वीडियो में अभी तक क्या बता दिया, आप लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक कर देने, आप लोगों के सामने सारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप लोगों ने अपने ईमेल पुट कर देने, पासवर्ड आप लोगों के ईमेल पर चला जाएगा, जो कोड है या कन्फर्मेशन लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने अपना पासवर्ड सब कुछ सेट कर देने और यहाँ पे अपना प्रोफाइल आप लोगों ने कंप्लीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोफाइल आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पे भी आप लोगों ने प्रोफाइल कंप्लीट करना है, ये ऑलरेडी प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आईडी कार्ड वगैरह और फेस ट्रैकिंग, फेस वेरीफिकेशन, ये वीडियो वगैरह आप लोगों से ये मांगेंगे तो आप लोगों ने कम्प्लीट करना है। उसके साथ साथ ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर आप लोग देख ले, जब आप लोग वेरीफिकेशन करोगे तो आप लोगों को कहीं पे नज़र आएगा इन वेरीफिकेशन क्यू, ये वेरीफाइड जिसके सामने लिखा होगा आप लोगों के अकाउंट के सामने नज़र आ जाएगा, तो इसका मतलब अकाउंट वेरीफाई है, उसने केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीट किए। जिसके कंप्लीट ना हो तो वहाँ पे इन क्यू वेरीफिकेशन आएगा, किसी का नीड टू कम्प्लीट आएगा, किसी का नॉट सबमिटेड, बिल्कुल जिसने कम्प्लीट नहीं किया, ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए, कुछ भी नहीं किया, तो उसके सामने ये आएगा, और किसी के सामने आएगा कि नीड सेल्फी वेरीफिकेशन, सही है। तो ये सब कुछ जो मैंने ये बता दी, जब आप लोग ये सारा कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को आएगा नीड पी टू पी वेरीफिकेशन, तो आप लोगों ने फिर केवाईसी करनी है, और वो वीडियो केवाईसी इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसी वीडियो में मिल जाएगी आप लोगों को, वो आप लोग देख ले तो आपकी केवाईसी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी, किसी को आप लोगों ने 2800-3000 रुपये बिल्कुल नहीं देने। अच्छा, ये आप लोगों का प्रोफाइल सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप लोगों ने प्ले स्टोर में आना है और सिद्रा चैन आप लोगों ने सर्च कर ये एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड करें, इंस्टॉल करके ओपन के ऊपर क्लिक। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये मेरा एप्लीकेशन मैंने ओपन किया और उसके साथ साथ ऑलरेडी ओपन हुआ है, यहाँ आप लोगों ने एप्लीकेशन को ओपन करके लॉगिन पे, वहाँ पे लिखा होगा लॉगिन, लॉगिन रजिस्टर और साइनअप पे नहीं, बिल्कुल लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें और वही ईमेल जो आप लोगों ने पुट किया और जो पासवर्ड आप लोगों ने सेट किया है वो आप लोगों ने
पुट कर देना और इस तरह आप लोग के सामने इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ रहा होगा आप लोगों को, आप लोग मेरे क्लेम के ऊपर क्लिक करके तो आप लोगों का टोकन दो डेली आप लोगों के सिद्र टोकन क्लेम होंगे। और इसके साथ साथ जब आप मेरे ईमेल जिस तरह मैंने लिंक शेयर किया उससे आप लोगों ने अकाउंट जब बनाओगे तो आप लोगों को 4 सिद्र फ्री में मिल जाएंगे, 4 होंगे या 2, वो बिल्कुल आपके मतलब ज्वाइनिंग के फ्री में आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये आप लोगों का इंटरफेस है। अच्छा, अभी आप लोगों ने अपने रेफरल किस तरह बनाने, ऊपर जो आप लोगों को जो 3 डॉट्स नज़र आए ये शेयर वाले, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देने और यहाँ पे आप लोगों ने व्हाट्सएप हो या जो भी हो इसके ऊपर क्लिक कर देना। व्हाट्सएप के ऊपर मैं अपने आप को यहाँ पे सेंड कर दूँ या अपने दोस्त को आप लोगों ने सेंड कर देने, मैं सर अपने नंबर पे सेंड कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने सेंड किया, ये प्रोफाइल, ये मेरा प्रोफाइल है। इस तरह आप लोगों ने भी अपना सेंड कर देना अपने दोस्त को जो भी हो। तो अभी आप लोगों ने KYC पोर्ट के लिए वो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ सर कंप्लीट करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसी लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अच्छा, ये इंटरफेस है, जिस तरह मेरा ये इंटरफेस है इसी तरह आप लोगों का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया। सही है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी। अच्छा, और इसके साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पे ये जो ऊपर सिद्रा चेन लिखा हुआ है, यहाँ पे सिद्रा चेन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सिद्रा चेन के ऊपर क्लिक करें, अगर यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन KYC पोर्ट नज़र आ गया तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने अपना वही सेम ईमेल और पासवर्ड पुट करके इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अगर ऑलरेडी ओपन हो जाते तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप लोगों ने अपना ईमेल लेकिन लॉगिन क्लिक करने साइन अप और थ्रू गूगल अकाउंट आप लोगों ने ओपन नहीं होना। सही है, तो इस तरह इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा जिस तरह आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे क्लेम डेली टोकन, ये मेरे 40 सिद्रा टोकन से डेली आप लोगों को 2 मिलते हैं, मतलब 20 दिन मैंने माइनिंग किए। सही है, इस तरह आप लोगों को यहाँ पर रेफरल नज़र आ जाएंगे, 1 रेफरल जिस तरह मेरा आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने फिर नीचे आना है, यहाँ पे जो KYC पोर्ट लिखा हुआ है, KYC पोर्ट, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अच्छा, KYC पोर्ट के बाद आप लोग के सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि आप लोगों ने अपना वेरिफिकेशन करनी है KYC के लिए, तो आप लोगों ने ये ब्लू जो इस तरह यहाँ पे नज़र आ रही है, ये ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, इस तरह ये सारा ब्लू या ग्रीन हो जाएगा यहाँ तक। ये जो वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है ये सेल्फी वीडियो है, तो उसके बाद आप लोगों की P2P वेरिफिकेशन होगी, वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ तक मैं वेरिफिकेशन आप लोग को अभी बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या इसमें अपलोड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे नीचे ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने ऐड KYC डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये वाला पोर्शन आप लोगों का कम्प्लीट हो जाएगा। ऐड डॉक्यूमेंट के बाद आप लोग के सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर देख ले, जिनका KYC का इशू आ रहा है ज़्यादातर ये यहाँ पर मसला होता है, इन लोगों का जिनका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता या 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे ऑप्शन इसको कंप्लीट करने पड़ते हैं। किसी में आपका आईडी कार्ड मांगता है, किसी पे आईडी कार्ड के साथ तस्वीर मांगता है, किसी जगह पे वीडियो आपका कम्प्लीटली मांगता है कि आप अपना फेस एक्सप्रेशन शो कर दे। तो ये आप लोगों ने सारे कंप्लीट करने, जब ये कंप्लीट हुए उसके बाद आप KYC के लिए अप्लाई कर सकते हो, वही KYC की वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट टाइप में अदर या आप लोग यहाँ पर लिखा होगा कि आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है यहाँ पर अदर। ठीक है, उसके साथ साथ नीचे पाकिस्तानी या इंडिया जो कुछ भी। अच्छा, डॉक्यूमेंट लैंग्वेजेस में आप सिर्फ इंग्लिश भी कर सकते हो तो अच्छा होगा, अगर सिर्फ इंग्लिश नहीं तो उर्दू दोनों कर सकते हो। सही है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग इंग्लिश कर दें, मैंने ऑलरेडी उर्दू किया हुआ है तो खैर कोई इशू नहीं है, क्योंकि आगे फिर आपने उर्दू में भी जो जो कुछ भी वो देना होगा। सही है, तो इस वजह से। अच्छा, ये जो बैक इमेज है आपका ये ऑप्शनल है, आपके आईडी कार्ड का आप अगर दे सकते हो ठीक है, अगर नहीं दे सकते कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ये दूसरा आपका स्लॉट जो है ना आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड का डिटेल देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी कौन सी है। अच्छा, एक्सपायरी डेट आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होगा और रिलीज डेट कि कब इशू हुआ है आपको आईडी कार्ड। सही है, वहाँ पे लिखा होगा इशू डेट, आप लोगों ने ये नीचे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि उर्दू, सही है, तो आप लोग उर्दू सेलेक्ट ना करें, क्योंकि फिर मैंने उर्दू में भी अपने डिटेल दिए थे, जिस तरह मैंने ये फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और नीचे प्लेस ऑफ बर्थ दे दिया। सही है, तो इस तरह आप लोगों ने ये डिटेल देने उर्दू में भी, फिर इसी तरह मैंने ये सब कुछ पुट किया। तो सिर्फ इंग्लिश आप लोग सेलेक्ट करो तो अच्छा होगा। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देने। अच्छा, नीचे नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोर्थ स्टेप आ जाता है, होल्ड आईडी
besides face into legible ensure clear image legible info. अच्छा यहाँ पे कह रहे कि आप लोगों ने बिल्कुल फ्रंट इमेज विद योर फेस, ये आप लोगों ने अपनी आईडी कार्ड का फ्रंट इस तरह पकड़ना है अपने हाथ में और उसकी तस्वीर लेनी है पहले और उसको फिर कंफर्म करना है. उसके बाद आप लोगों ने दूसरा जो बैक साइड है अपनी आईडी कार्ड का वो आप लोगों ने इस तरह पकड़ना है अपने बिल्कुल चेहरे के साथ और उसकी तस्वीर लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने उस पर भी कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है. अच्छा कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद नीचे आप लोगों ने दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, नेक्स्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा. यहाँ पे ये जो फिफ्थ स्टेप है ये है नो एनी फेस ट्रैकिंग इमेजेस येट स्टार्ट फेस ट्रैकिंग. यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करें तो आप लोगों का फेस ट्रैक करेगा. आप लोगों ने चेहरा कैमरे के सामने करना है, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपके रीड होंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका यहाँ पर फिनिश हो जाएगा. आप लोगों ने भी स्टार्ट फेस ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक कर देना है. अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने नीचे अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है. यहाँ पे आप लोगों को इश्यूज आएंगे, कभी कभी ये नेट का इशू होता है या जो भी, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि इसको दोबारा ट्राई करें. और उसके साथ साथ अगर ये इसमें फिर भी इशू आ रहे तो आप कोशिश करें कि आप वीपीएन के साथ देख लें तो ये वाला उस जो स्टेप है इसको भी कंप्लीट कर दें. अच्छा यहाँ पे आप लोग कोशिश करें कि अपना जो आप लोग का सिद्र एप्लीकेशन है वहाँ पे आप लोगों ने सेटिंग में ऐप्स में जाना है और उधर जो कैमरे का ऑप्शन है वो आप लोगों ने अलाउ करना है, वहाँ पे अलाउ कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो बार बार मसला आ रहा है ये उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप अपना जो कैमरा है वो अलाउ करें ताकि हम आपके एक्सप्रेशन जो रीड करो. एक्सप्रेशन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, हैप्पी इमोशन नेचुरल इमोशन, मतलब आप हैप्पी फेस हंस थोड़ा हंस लिया करें या इसके साथ साथ नेचुरल इमोशंस फेस को नॉर्मल किया करें, तो उस तरह कैमरे के सामने जो कुछ आपको बताएगा वो इस तरह आप लोगों ने प्रोसीड कर देने और उसके बाद फिनिश पे आप लोगों ने क्लिक कर देने. अच्छा आप लोगों को मैंने पांचों स्टेप बता दिए किस तरह आप कंप्लीट करने हैं, क्या क्या उसमें आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स है. अच्छा अभी मैं मेन इंटरफेस के ऊपर आ गया हूँ और आप लोगों ने देख लिया जो आखिरी स्टेप था उसमें मसला सेल्फी वीडियो का जो फेस एक्सप्रेशन उसका आ रहा था. और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहले लिखा हुआ था नॉट सबमिटेड, मतलब कोई डॉक्यूमेंट कोई वेरिफिकेशन मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने पुट नहीं किया था इस वजह से नॉट सबमिटेड आ रहा था. अभी आप लोग देख रहे हैं नीड सेल्फी वीडियो यहाँ पे आ रहे हैं और वो वाला स्टेप अभी आप लोग के सामने इसमें इशू आ रहा था. ये क्योंकि मैं ये बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ तो सर्वर का भी इशू हो सकता है, मैंने वीपीएन के थ्रू भी ट्राई किया नहीं हो रहा था. वहाँ पे जो सेटिंग है वहाँ पे जाके सिद्रा एप्लीकेशन में मैंने कैमरे का ऑप्शन भी ऑन किया लेकिन फिर भी वो स्टेप नहीं हो रहा था. आप लोग भी इसको ट्राई करें, मैं दोबारा इसको ट्राई कर दूँगा, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह. अच्छा तो ये मेन इंटरफेस है. इसके साथ साथ नीचे ऊपर जो आप लोग आ जाए तो यहाँ पर आप लोग सिद्रा चेन के ऊपर क्लिक कर दें. सिद्रा चैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये केवाईसी पोर्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो. ये जो मोनोग्राम या नीचे केवाईसी पोर्ट है एक में से इसके ऊपर क्लिक कर दी, नीचे वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ. अच्छा यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है यूअर केवाईसी स्टेटस. ये वही मुझसे मांग रहे कि मतलब आपने जो फेस एक्सप्रेशन है या सेल्फी वीडियो बनानी है कैमरे के सामने लाइव, सही है इसमें तो इशू आ रहा है. जब ये आप लोगों को कम्प्लीट हो जाए तो आप उसके बाद ये जो तीन बंदे प्रोफाइल शो हो रहे हैं आपके साथ यहाँ पे आ जाएगा नीट पी टू पी वेरीफिकेशन, सही है. तो वो जो वेरीफिकेशन की वीडियो वो है असल में है केवाईसी के, मतलब आप लोगों ने जो आगे प्रोसेस करने है अपनी केवाईसी को तो वो आप लोगों ने सिद्रा वालों के को ईमेल करने है. और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि मतलब किस तरह आप लोगों ने पी टू पी वेरीफिकेशन या केवाईसी आप लोगों ने प्रोसीड करने आगे और ईमेल में क्या लिखने क्या क्या होगा उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह क्या कौन से अपलोड करने वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसमें भी बता दूंगा. तो आप लोग वो देख ले तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो केवाईसी है वो भी सबमिट हो जाएगी 24 आवर के अंदर. और याद रखें कि लोग इस पर 3,280 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज़्यादती है सरासर. आप लोग उनको रिपोर्ट कर दें, इनके ग्रुप्स को रिपोर्ट करें, क्योंकि ये बिल्कुल ज़्यादती है. जो फ्री चीज़ है वो फ्री में मिलेगी, जो पेड है वो बिल्कुल पेड होगी, उसके बंदे फीस भी रखते कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फ्री में कोई चीज़ है तो वो इस तरह पैसों से करवा रहे तो ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है. इस वजह से मैंने वो भी वीडियो भी बना दी, वरना मैं भी बोल सकता हूँ कि और भी बंदे आए थे मुझे कह रहे थे कि भाई आप केवाईसी करवा लें जितना पेमेंट आप मांगते, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गलत बात है. जो तरीका है उसके मुताबिक चलना चाहिए. तो आप ये वो वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह आपकी केवाईसी भी सबमिट हो जाएगी और ये वाला स्टेप भी आप लोग इस पर ट्राई कर दें
तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो 5 स्टेप है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने जो P2P वेरिफिकेशन या KYC के लिए, उसके लिए आप अपना जो वो क्या प्रोफाइल कंप्लीट कर दे और उसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हो अपना ईमेल। अच्छा, वीडियो भी लंबी हो गई क्योंकि जो लाइव वेरिफिकेशन था उस पर ज़रूर टाइम लगता है इस वजह से। और उम्मीद दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए क्योंकि वहाँ पर भी हम काफ़ी सारे अपडेट्स देते हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं दे सकते, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।